कानून अंधा हो जाता है, कानून बहरा हो जाता है तो लोगों को सड़कों के ऊपर उतर आना पड़ता है। पिछले 2.5 साल से लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर आप देखिए का वो कारोबार है जो धंधा बना रहा है, उसे खत्म करना चाहिए। विधानसभा के अंदर मैंने हर सत्र के अंदर ये आवाज उठाई है कि आप जो इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोले जा रही है, ऐसे इलाके हैं जहां पर स्कूल की बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के अंदर शराब की दुकान चल रही है, एक कॉलेज है कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने वहां पे जवान बच्चियां निकलती है और वहां पर शराब की दुकान है, देसी शराब की दुकान। हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को बार बार लेटर लिखे, हमने पुलिस डिपार्टमेंट को बार बार लेटर लिखे, बल्कि मैंने यहां तक महामहिम गवर्नर साहब को लिखा हूं कि अगर पैसों का इतना ही अगर मांग है कि हमको रेवेन्यू चाहिए तो आप स्कूल कॉलेजेस बंद कर दीजिएगा और वहां पे शराब की दुकानें आप चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पैसे से मतलब हो, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मजबूरन आज हमको ये कानून अपने हाथ में लेना पड़ा, ये सिर्फ एक शुरुआत की गई है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद की पूरी जनता जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये कारोबार को हम अलग में नहीं देंगे किसी भी तरह से। अगर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने शाहगंज के जो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो शराब की दुकान है, अगर 15 दिन के अंदर अगर उसका फैसला नहीं होता है तो हिंदुस्तान की पहली वो देसी दारू की शराब की दुकान होगी जहां पर पुलिस वालों को पहरा देना पड़ेगा उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि वो दुकान को भी हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे और जलाएंगे। देखिए ये सामाजिक बुराई है, ये किसी भी जात धर्म मजहब किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। मेरे साथ ये जो बहने हैं ये हर जात और हर धर्म के लोग हैं, ये हर इंसान इस समाज की बुराई से परेशान है और हम ये समझते हैं कि आप इसे एक नागरिक एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर आप इस आंदोलन के अंदर शामिल होइएगा। आज हमारे पास इतने लोग हैं, हम चाहते हैं कल हमारी ये ताकत 100 गुना 200 गुना 500 गुना बढ़े। समाज के हर स्तर के लोगों ने इसके अंदर आना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि इसका नेतृत्व अगर कोई कर रहा है तो इस समाज के अंदर रहने वाली वो गरीब महिलाएं कर रही है जिन्हें हर रोज समाज की इस बुराई की वजह से हर रोज इनके पति इनका शौहर इनका बेटा शराब पीकर आता है और घर के अंदर क्या आतंक मचाता है, ये लोग हर रोज उस बुराई से गुजर रहे हैं। इसीलिए इसका नेतृत्व मेरे शहर की महिलाएं करेंगी और पूरा शहर इनको साथ देगा और साथ देगा।